हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन 22 जनवरी का, और 22 जनवरी के दिन आज हमारे राजा राम अपने घर आ गए हैं और हमारे बीच हैं, सभी के घरों में आ गए हैं ऐसा लग रहा है। तो सुबह सुबह आज एक अलग सा ही वाइब से है, एक अलग सी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और जय राम जी की, क्योंकि आज है 22 जनवरी और श्री राम आ रहे हैं सभी के घर और अयोध्या में विराजमान होंगे। तो आप लोग सभी को जय श्री राम। मम्मी, जय श्री राम। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं तैयार हो गई हूँ, अभी मैंने चाय नहीं पी है, चलते हैं चाय पीती हूँ और मेरे सारे काम अभी सब शुरू होंगे। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस नहा के पूजा पाठ किया और अब काम शुरू करूंगी। और आज मैंने पहन ली अपनी येलो वाली ये कुर्ती, तो काम अब स्टार्ट करते हैं। और शाम का जो भी शेड्यूल है आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आज फुल डे का कैसे दिवाली मनाएंगे हम आज राम जी के आने पे। तो दिवाली तो आज मनेगी ही मनेगी, तो कैसे मनाऊंगी आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए फुल ब्लॉग। तो हम कहाँ कहे बोले कि तू ऊँ खुद कर रहा था। तो आज सुबह से ही मुझे बहुत सारे काम है, तो उसके पहले मैं पी लेती हूँ चाय, नहीं तो मेरी चाय रह जाएगी सुबह की। काम आज बहुत है मुझे, लेकिन आज बहुत जल्दी खाली भी हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आज की वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग। आज मैं करने वाली हूँ क्या, बट हो रहा है मेरे साथ क्या, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज लास्ट है, फिर कल से बच्चों की स्कूल भी खुल जाएंगी और आप लोगों को कुछ दिखाना है मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को चाय पीने से पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरा एक चैनल मैंने क्रिएट किया है। तो ये रहा मेरा चैनल, आप लोग देख लीजिए, सोनिया लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने अभी चैनल रिसेंटली क्रिएट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा न्यू चैनल है, देख लीजिए और जल्दी जल्दी इसे सर्च करके मुझे सब्सक्राइबर मेरा बढ़ाइए। तो आज मैं देखूंगी कि आप लोग कितना मुझे प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं, तो चलो चाय पी लेती हूँ और मेरा ये शॉर्ट चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ अप्पम और चटनी। और हस्बैंड का यहाँ मैं पहले बैग पैक कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आज ये सारे सामान जो भी है ये ले जाएंगे ऑफिस में, क्योंकि करना है ऑफिस में दिया बत्ती मतलब ऑफिस में जाएंगे पूजा करने के लिए। तो उनका जो भी सामान है वो सब मुझे देना है, तो उनको सब सामान ले उनका दे देना है, वो ले कर जाएँगे और फिर मैं अपने कामों में फिर तैयार होंगी, नहीं तो फिर मैं अपने कामों में लग जाऊँगी तो फिर हस्बैंड का काम लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले हस्बैंड का काम डन कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। और मेरे हस्बैंड को ना ऐसा है ना कि सारा सामान अगर नहीं दे दूँ ना, तो मेरे हस्बैंड को एक भी सामान मेरे दिए बिना कुछ मिलता नहीं है। तो उनको बस वही उनका सामान अलग कर रही हूँ, और अपना जो भी घर का है, ये दिया मैं कल लेके आई थी तो वो सब मैं अपने घर के लिए रख रही हूँ, और बाकी का उनका जो है उनको दे रही हूँ उनको ऑफिस ले जाने के लिए। तो उनका सारा सामान उनको सेट करके दे देती हूँ, और उनको आज तो अभी वो खा के जाएंगे नहीं, तो उनका देखिए ये सारे सामान है पूजा पाठ के, तो उनको अलग कर दिया है मैंने। और अब चलती हूँ किचन में, उनकी टिफ़िन भर देती हूँ, क्योंकि वो खा के नहीं जाएंगे मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए मैंने यहाँ मखाना फ्राई कर दिया है, मखाने को टिफ़िन में भर दूँगी और फ्रूट दे दूँगी, तो वो अभी पूजा करके खा के आएँगे तो फिर घर में खाना खाएँगे। तो आज जो भी घर में खाना बनेगा, पक्का खाना बोलते हैं, तो वो सारा बना दूँगी, जो कि रात को चलेगा, और मतलब दोपहर को भी चलेगा और रात को भी चलेगा। और यहाँ मैं आ गई हूँ मेरे हस्बैंड को उनको कपड़ा देने के लिए, आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि वो पहने क्या, तो उनके लिए मैं निकाल रही हूँ कुर्ता और पैजामा, क्योंकि पूजा पाठ से रिलेटेड ट्रेडिशनल कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो उनको मैं फॉर्मल दे रही थी, तो बट उन्होंने बोला नहीं मुझे कुर्ता देना, तो वाइट कुर्ता और ब्लू ग्रीन कुर्ता था, तो तीन कुर्ता मैंने निकाला था और मैं उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन उन्हें कोई भी समझ में नहीं आ रहा, तो फाइनली मैंने ग्रीन वाली कुर्ता मैंने उन्हें दे दी हूँ। और वो पहनते तो अपने मन से है, लेकिन निकलवाते उनको हैबिट है कि मेरे हाथ से निकलवाना है।
तो पहन लिए हैं। दे रहे हैं मेरे हीरो रेडी हो गए हैं और मैं उनका सामान ले लेके पीछे पीछे। तो ट्रेडिशनल कपड़े पे वो वैसा वो शूज़ भी पहनते हैं, मतलब जो भी फुटवेयर भी वही पहनते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे चप्पल भी निकाल दिया है मैंने, और फिर उनका टिफ़िन वगैरह जो भी सामान है दे देती हूँ, नहीं तो वो भूल जाएंगे। तो मैं उनको सामान उनको साथ में उनके हाथ तक मैं दे रही हूँ, पहुँचा दे रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं चलती हूँ अपने कामों में। तो फ्रेंड यहाँ पे ना मैं सिद्धि का चश्मा सही करके दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिद्धि को भी ट्यूशन जाना है। हस्बैंड को ऑफिस के लिए भेजा, अब बच्चों का बाल बिल सही कर देती हूँ और बच्चों को भेजती हूँ ट्यूशन के लिए। तो वो सारा काम हो जाएगा फिर मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। सासू माँ को भी दे दिया है, सभी ने खा पी लिया। पहले मैं इन लोगों को भेज देती हूँ, उसके बाद अपना काम करूँगी। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने सभी को बना के खिला दिया है, हस्बैंड ऑफिस के लिए गए, बच्चे ट्यूशन गए, और मेरा अब पे देखिए मैं काम करने मेरा अब पे सारा जल गया है। तो ऊपर का जो भी ठीक है वो खा लेती हूँ, बाकी जो जला है वैसे तो मुझे क्रंची लगता है तो मैं खा लेती हूँ ये। और आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड में कितने ढोल वोल बज रहे हैं। तो आज पूरा दिन बस यही चहल पहल ही रहने वाला है। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ मैं काम करने के लिए जैसे ही आई और मैंने सोचा कि पहले मैं काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं खाना वीना बनाऊँगी। सभी को भेज दिया मैंने अपनी अपनी जगह पे, बट यहाँ मैंने देखा कि मेरे बेड पे पता नहीं कहाँ से एक खटमल मुझे दिख गया। बाकी मेरा जो ये मैंने जो बेड बनवाया था तो ये सारा प्रूफ है, इसकी जो लकड़ी है ना ये प्रूफ फुल है। तो जब बनाया था तभी बोल दिया था, तो पता नहीं मुझे कहाँ से एक बिस्तर पर दिख गया। तो मैंने पूरा गादी खोल के देखा और कहीं से भी मुझे कुछ और नहीं दिखा। बट मैं एकदम वो देख के एक ही देख के मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने पूरा बेड सरका दिया है, आज मैं पूरा बेड सरका दूँगी। जो बेड मेरा एकदम नीचे फर्श पर टच है तो उसे सरका के एकदम प्रॉपरली नीचे का भी सारा कचरा निकाल दूँगी, क्योंकि जहाँ पर डस्ट रहता है कचरा रहता है वहीं पर मतलब गंदगी होती है, वहीं पे सब कुछ गंदा होता है। तो इसीलिए मैं उस एकदम जो भी है आबाद देख लिया, तो मैं आज एकदम डीपली पूरा कर साफ़ कर दूंगी। जो भी कोने कोने में जो भी धूल है सब कुछ आज साफ़ करके सब साफ़ कर दूंगी अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि मैंने इसे देखा और मुझे वहाँ पे पता नहीं कहाँ से दिख गया खटमल, या शायद बाजू वाले मेरे जो नेबर्स हैं उनके घर में कुछ हुआ होगा या प्रेस कंट्रोल कराया होगा। तो मेरे बेड पे एक मुझे दिख गया और मुझे बिल्कुल भी नहीं अब हो रहा है। और ये देखिए बेड के पीछे भी मैंने सरकाया है, इतना कचरा तो है नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक दिख गया, तो अब मैं इसे झाड़ू यहाँ पे मतलब कोने कोने में पूरा झाड़ू लगा के पूरा निकाल के साफ़ करूँगी। और पूरा बेड मैंने सरका दिया है और बेड की जो जगह है ना मैंने चेंज भी कर दी है, और नीचे भी मैं पूरा अच्छे तरीके से पोछा झाड़ू दोनों ही लगा लूँगी। अभी कुछ दिन पहले पीयू ने यहाँ पे चाय भी गिरा दिया था, बेड के नीचे चला गया था पूरा चाय, क्योंकि बेड एकदम नीचे फर्श पे टच है। तो मैं अकेले ही पूरा बेड जो है ना पूरा, क्योंकि नीचे जो है ना मेरा इस जो टाइल्स है ना वो स्मूथनेस है, तो बेड है ना इस पे बहुत आसानी से वो हो जा रहा था। हैवी तो था ही, लेकिन मैंने जो देख लिया ना मुझे अब वो देखने के बाद मेरे पास पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने बेड को पूरा अकेले ही हटा दिया। देखिए यहाँ पे चाय का जो गिरा हुआ धब्बा है ना वो देखिए कैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो उसे मैं पानी डाल के यहाँ पे मैं इसे पानी डाल के जब ये फूल जाएगा उसके बाद ही ये निकलेगा। तो मैं पहले पूरा झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू मार के पूरा कचरा निकाल लूँगी।
और मेरे काम भी हो रहे हैं, काम के साथ साथ जो बाकी के काम है वो सासू माँ कर दे रही है। तो दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो सासू माँ दूध ले आई हैं। अब मैं दूध रख देती हूँ क्योंकि अभी दूध गर्म करने का मेरे पास समय नहीं है, और मैं अभी जो दूध रख दूँगी किचन में और बाकी मैं अपने वाले बेडरूम में जाऊँगी। वहाँ का बेडरूम तो मैंने कर दिया है और यहाँ पर भी पूरा चेक कर लूँगी। अभी मैं ये भी चादर हटा के ना ये भी चेक करूँगी, क्योंकि अगर ना कभी भी आपकी नज़र एक जगह पड़ जाती है ना तो उसी के ऊपर दिमाग मतलब हमेशा दौड़ता है। तो अब मैं ना ये वाला गद्दा भी पूरा चेक कर रही हूँ और ताका झाकी लगाई हूँ कि इसमें भी कहीं कुछ है तो नहीं ना। फिर मैं ले आई, इसमें तो मुझे कुछ दिखा नहीं, वैसे भी मुझे एकदम डीपली मैं देखती हूँ तो मुझे एक टक तो मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आने लग जाता है, तो इसलिए मैं ले आई हूँ। ये देखिए कागोली बोलते हैं इसे, पता नहीं क्या है ये, मतलब ये कपड़े की ये है, आप लोग भी कबर्ड में डाल रखते ही होंगे इसे स्मेल के लिए, और इससे कि कीड़े भी नहीं यहाँ लगते हैं जो भी होते हैं। तो मैं यहाँ बिस्तर वगैरह में लगा रख देती हूँ, डाल देती हूँ और बेड के अंदर भी डाल देती हूँ। तो एक पैकेट था मेरे पास और मैंने पूरा हर जगह मैंने डाल दिया, लगा दिया, अलमारी में भी डाल दिया है और बेड के अंदर भी डाल देती हूँ मैं। और फिर मेरी ना इतनी गंदी आदत है कि मैं एक बार एक चीज़ देख लेती हूँ ना तो पूरा मैं, अब आज मेरे पास टाइम भी नहीं था, मुझे और भी काम करने थे, लेकिन मैं पड़ गई। और बच्चों का जो ये वार्डरोब आप लोग देख रहे हैं ना, ये वार्डरोब भी मैं खाली कर दी हूँ और खाली करके इसे भी झाड़ के पोंछ के साफ़ करूँगी। और देख ले रही हूँ कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि लकड़ियों में भी खटमल घुस जाते हैं, कहीं ना कहीं कोने में रहते ही हैं। तो मैं इसे भी खोल के मैं देख रही हूँ कि इसमें तो नहीं है ना कुछ, तो ऐसे जैसा कुछ भी नहीं था, कहीं भी मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। मैंने कोना कोना पूरा मतलब ताड़ मारा, कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो फ्रेंड ये वीडियो मैंने ना सुबह से शाम तक की मैंने की है और वीडियो कंटिन्यू की है, और वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी तो इसलिए इसका एक पार्ट अब भी डाल रही हूँ, मतलब अपलोड कर रही हूँ, और एक पार्ट जो दूसरा होगा वो आप लोगों को दूसरे पार्ट में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो चाय गिरा था अलमारी मैंने सेट कर दी, और यहाँ जो चाय गिरा था इस पर पानी डाल के इसे मैं फूलने के लिए रख दूँगी जिससे कि वो निकले। और ये देखिए बहुत ईजिली निकल रहा है क्योंकि ये चाय का दाग था, निकल ही गया था। तो मैंने पानी डाला, थोड़ा फूल गया, उसके बाद मैंने झाड़ू से पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया और अच्छी तरीके से निकल भी गया था। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और इसका जो आधा आगे का जो आधा पार्ट है वो कल मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। देखिए मत भूलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैंने कैसे 22 जनवरी का मतलब सेलिब्रेट किया है। नॉर्मली जैसा मुझसे आया, मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और मेरे न्यू वाले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड। न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना साथ दीजिए, प्यार दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।